brought to you by Techno Camon 30 series. राजनीतिक दलों की बात करें तो कल का दिन हरियाणा में कांग्रेस के नाम रहा, लेकिन नेताओं की बात की जाए तो कल हरियाणा में एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, दीपेंदर दीपेंदर। और हो भी क्यों ना, आखिर हरियाणा लोकसभा चुनाव में दीपेंदर ने सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जीत जो दर्ज की है। पिछली बार लगभग 7,500 वोटों से हारने के बाद दीपेंदर ने अपनी रणनीति बदली। महीनों तक रोहतक लोकसभा में डोर टू डोर प्रचार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस बार दीपेंदर ने जबरदस्त कमबैक करते हुए 3,45,298 वोटों की लीड ली और हरियाणा में सबसे बड़ी जीत उनके नाम रही। इतना ही नहीं, यदि आप कोसली विधानसभा के नतीजे देखेंगे तो दीपेंदर की इस जीत का महत्व और बढ़ जाता है। जिस अहिर बहुल्य कोसली में पिछली बार वो 72,000 से पिछड़ गए थे, वहां इस बार शानदार कमबैक किया और न सिर्फ अरविंद शर्मा की 72,000 की लीड तोड़ी बल्कि 2 वोटों से उन्हें हरा भी दिया। कोसली में अरविंद शर्मा को 83,420 वोट मिले, जबकि दीपेंदर हुड्डा को 83,422 वोट मिले। कोसली में दीपेंदर का यह शानदार कमबैक और 2 वोटों से हुई उनकी जीत दिखाती है कि दीपेंदर एक बार फिर सभी 36 बिरादरियों के बीच अपनी छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ हुई ये जीत दीपेंदर के लिए इतना आसान नहीं थी, इसके पीछे उनकी महीनों की कड़ी मेहनत और सफल रणनीति का बड़ा हाथ रहा। दीपेंदर को इस बात का एहसास था कि पूरी बीजेपी उन्हें हराने के लिए जी जान लगा रही है और वो अपनी सभाओं में मंच से इस बात को कहते थे कि ये सारे मिलकर मुझे घेरेंगे, लेकिन मैं इनका डटकर मुकाबला करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 36 बिरादरी का आशीर्वाद चाहिए। दीपेंदर की अपील काम कर गई और इस बार पूरी बीजेपी मिलकर भी उनको जीतने से रोक नहीं पाई। दीपेंदर के लिए ये चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला चुनाव था और जब सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। समर्थकों के कंधों पर बैठे विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए दीपेंदर कल भावुक हो गए। जीत के बाद जब रोहतक स्थित अपने आवास पर पहुंचे तो उनकी मां आशा हुड्डा भी बेटे को देख खुशी के आंसू रोक नहीं पाई और फिर दोनों माँ बेटा गले लगकर इस खुशी को सहेजते नजर आए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दीपेंदर हुड्डा और उनकी टीम ने अपनी कमियों को सुधारते हुए अपने प्रतिद्वंदी की कमजोरियों को पहचान कर तेज तर्रार रणनीति के साथ चुनाव लड़ा और फिर शानदार जीत दर्ज की। अपनी इस जीत के बाद दीपेंदर का अगला टारगेट अब विधानसभा का चुनाव है और भले ही वो महज 46 साल की उम्र में 5वीं बार सांसद बन गए, लेकिन उनके समर्थक उन्हें CM देखना चाहते हैं। तो अब इंतजार कीजिए विधानसभा चुनाव का और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका दीपेंदर हुड्डा की इस शानदार जीत पर क्या कहना है।